नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सोनी वंदनास किचन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मैदा से नमक पारे, या आप इसको सांखे भी बोल सकते हैं, तो हम वो बनाएंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें क्या-क्या सामान डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 कटोरी मैदा लिया है, और यह आधा कटोरी आप इसमें सूजी डालेंगे, और ये हमने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन, और ये मोइन के लिए 4 बड़े चम्मच देसी घी। चलिए फ्रेंड्स, नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम से आटा गूंदेंगे। ये हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले अपनी 2 कटोरी मैदा, मैदा आप फ्रेंड्स छान के ही लें, आधा कटोरी सूजी, नमक, नमक फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वैसे ये हमने आधा चम्मच अजवाइन ली है, अजवाइन को फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ा हाथों से मसल कर डालें, इससे खुशबू अच्छी आएगी। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये हमने देसी घी लिया है, ये 4 बड़े चम्मच है। ये देखिए हमारा आटे का पेड़ा बन रहा है, इसका मतलब हमारा मोमन परफेक्ट है। अब हम इसे नॉर्मल वाटर से आटा लगा के तैयार करेंगे। पानी आप धीरे धीरे ही डालें, इसमें एक साथ ना डालें। हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब मैं इसको ढक के लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और फूल जाएगी, आटा हमारा सेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। मैंने अपने आटे को 4 टुकड़ों में बांट लिया है। अब हम एक टुकड़ा उठाएंगे और इसको चकले पे ले लेंगे। अब चकले पे थोड़ी देर हम इसको इस तरह से हथेली से इसको चिकना करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको चिकना करके एक लोई की तरह बना लेंगे, और अब हम इसको बेलन की सहायता से पतला पतला बेल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी नमक पारे की रोटी इस तरह से बेल ली है, पतली पतली। ये देखिए, आप देख लीजिए, आपको जितना पतला बेलना हो आप उतना पतला बेल सकते हैं। कोई भी आप चाकू ले लीजिए, चाकू से इसकी इस तरह से पतली पतली सांखें काट लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लूंगी। ये देखिए, आप चाकू से इस तरह भी यूं करके, हमने इसमें मोइन डाला है, ये चिपकेगी नहीं आपस में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको प्लेट पे निकाल लिया है। इसी तरह से आप अपनी सारी सांखें बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल रखा है, और तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। हम इसको ना ज़्यादा तेज करेंगे ना ज़्यादा ठंडा, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हम अपनी सांखें सेकेंगे। अब आप तेल चेक कर लीजिए और अपनी सांखें एक साथ डाल दीजिए। ये हमने जो एक बार लोई ली थी उसकी एक बार की सांखें हैं, आप अपने तेल के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपके तेल में कितनी सांखें आ जाएंगी एक बार में, उतनी ही डालें। अब फ्रेंड्स, हम इसे मीडियम आंच पे ही पकाएंगे, हम तेज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये तलती हैं, जब तक हम अपनी दूसरी लोई से सांखें बना लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटरी अच्छे से ब्राउन हो गई है। मैंने इसको सिम पे ही पकाया है। अब हम इसको थोड़ी देर कढ़ाई में इस तरह से रोक के कलछी को तभी निकालेंगे ताकि हमारा जो मटरी पे एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी में कढ़ाई में रह जाएगा। और आप इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम ये दूसरी लोई की जितनी जो भी हमने साखें बनाई थी वो भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साखें भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी साखें बनके रेडी हैं। बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड्स, ये बहुत क्रिस्पी हैं और बच्चों को, बड़ों को, साखें सभी को बहुत पसंद आती हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इसको ये चाय के साथ खाइए, सुबह खाइए, नाश्ते में खाइए, जब भी आपकी इच्छा हो। या आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने तक, ये ख़राब नहीं होती फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली रेसिपी में।